त्योहारी सीजन को लेकर जिला बिलासपुर में पुलिस प्रशासन सख्त है। त्योहारों में किसी तरह की हुड़दंग और शरारती तत्वों को असामाजिक गतिविधियों से अछूता रखने को लेकर जिला प्रशासन लॉ एंड ऑर्डर को बनाए रखने के लिए लगातार कार्रवाई कर रहा है। इसी कड़ी में जिला पुलिस प्रशासन ने पिछले एक महीने से ट्रैफिक नियमों की धज्जियां उड़ाने वाले चालकों के खिलाफ मोर्चा खोला है। बीते एक महीने में पुलिस ने ड्रिंक एंड ड्राइव के 109 चालान किए हैं, जिसमें से करीब 26 वाहन चालकों के अब लाइसेंस रद्द किए जाएंगे। जी देखिए, बहुत सारे मामले ऐसे आए हैं कि टनल के अंदर जो है वो लोग जल्दबाजी के चक्कर में जो ट्रक आगे चला रहा था, भारी वाहन उसके पीछे लगे होते हैं, तो उनको लगता है कि काफ़ी देर तक ऐसे पीछे चलना पड़ेगा, तो वो ओवरटेक कर लेते हैं और एकदम आगे निकलने की कोशिश करते हैं, जिससे कि आगे से गाड़ी आ जाती है एकदम और उससे जो है एक्सीडेंट हो जाता है। तो मेरी लोगों से अपील है कि भाई अपनी ही साइड में चलें, ओवरटेक ना करें। जो भी कोई ओवरटेक करता है तो अंदर जो है हर एक टनल के अंदर जो कैमरे लगे हुए हैं, कोई भी अगर ऐसा वायलेशन करता हुआ पाएगा तो उसके खिलाफ जो है एमबी एक्ट के तहत जो है कार्रवाई होती है। प्रदेश में लगातार प्रशासन लोगों से त्योहारों के समय एहतियात बरतने की सलाह दे रहा है और जो लोग नियमों को न मानकर कानून तोड़ते हैं उन पर सख्त कार्रवाई हो रही है। लोगों के सहयोग से किसी भी जगह नियम और कानून को बनाए रखा जा सकता है। ऐसे में लोगों को चाहिए कि वो प्रशासन का सहयोग करें और शांति प्रिय तरीके से त्योहारों का मजा उठाएं। सूर्य समाचार के लिए बिलासपुर से शुभम राखी की रिपोर्ट। त्योहारी सीजन को लेकर जिला बिलासपुर में पुलिस प्रशासन सख्त है। त्योहारों में किसी तरह की हुड़दंग और शरारती तत्वों को असामाजिक गतिविधियों से अछूता रखने को लेकर जिला प्रशासन लॉ एंड ऑर्डर को बनाए रखने के लिए लगातार कार्रवाई कर रहा है। इसी कड़ी में जिला पुलिस प्रशासन ने पिछले एक महीने से ट्रैफिक नियमों की धज्जियां उड़ाने वाले चालकों के खिलाफ मोर्चा खोला है। बीते एक महीने में पुलिस ने ड्रिंक एंड ड्राइव के 109 चालान किए हैं, जिसमें से करीब 26 वाहन चालकों के अब लाइसेंस रद्द किए जाएंगे। जी देखिए, बहुत सारे मामले ऐसे आए हैं कि टनल के अंदर जो है वो लोग जल्दबाजी के चक्कर में जो ट्रक आगे चला रहा था कोई भारी वाहन उसके पीछे लगे होते हैं, तो उनको लगता है कि काफ़ी देर तक ऐसे पीछे चलना पड़ेगा, तो वो ओवरटेक कर लेते हैं और एकदम आगे निकलने की कोशिश करते हैं, जिससे कि आगे से गाड़ी आ जाती है एकदम और उससे जो है एक्सीडेंट हो जाता है। तो मेरी लोगों से अपील है कि भाई अपनी ही साइड में चलें, ओवरटेक ना करें। जो भी कोई ओवरटेक करता है तो अंदर जो है हर एक टनल के अंदर जो कैमरे लगे हुए हैं, कोई भी अगर ऐसा वायलेशन करता हुआ पाएगा तो उसके खिलाफ जो है एमबी एक्ट के तहत जो है कार्रवाई होती है। प्रदेश में लगातार प्रशासन लोगों से त्योहारों के समय एहतियात बरतने की सलाह दे रहा है और जो लोग नियमों को न मानकर कानून तोड़ते हैं उन पर सख्त कार्रवाई हो रही है। लोगों के सहयोग से किसी भी जगह नियम और कानून को बनाए रखा जा सकता है। ऐसे में लोगों को चाहिए कि वो प्रशासन का सहयोग करें और शांति प्रिय तरीके से त्योहारों का मजा उठाएं। सूर्य समाचार के लिए बिलासपुर से शुभम राखी की रिपोर्ट।